हेलो फ्रेंड्स, तो हमने वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ लिया। अब हमें कुछ एग्जांपल्स करने चाहिए। तो हमारा पहला एग्जांपल है टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स या टू फोर्सेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड एक्स। हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिन दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स है, उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हमें इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। और यहां पर दोनों ही वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? एक्स। इसलिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ए भी एक्स है और बी भी एक्स है। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू, ये टू एक्स स्क्वायर है, ये भी टू एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। मैंने एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ दिया, टू एक्स स्क्वायर बन गया। इस 2x स्क्वायर और इस 2x स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो क्या बचा? 2x स्क्वायर कॉमन आने के बाद 1 प्लस कॉस थीटा, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा को क्या लिखा जा सकता है? इसको आप लिख सकते हो, इसको हमने सिंप्लीफिकेशन देखा था, वन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस थीटा को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम हाफ एंगल का यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। हमने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। तो ये क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ टू एक्स स्क्वायर टाइम्स वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू के बराबर हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, विच इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, विच इज इक्वल टू, अब यहां देखिए टू इंटू टू, टू का स्क्वायर हो गया, रूट के बाहर आ गया। एक्स स्क्वायर है वो भी रूट के बाहर आ सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू है ये भी रूट के बाहर आ सकता है। तो आपका आंसर क्या हो गया? टू एक्स कॉस थीटा बाय टू। तो अगर दो वेक्टर्स हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, दोनों का मैग्नीट्यूड एक्स है और दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो ऐसे में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 2x cos थीटा बाय 2। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डिफरेंस आर इक्वल। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास ए और बी, कुछ इस तरीके के वेक्टर्स हैं कि उनका सम ले लो, रिजल्टेंट कर निकाल लो, चाहे डिफरेंस ले लो, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। एंड वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, हमें ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो इसको सॉल्व करने के वैसे दो तरीके हैं, एक तो आपका सीधा डायरेक्ट मेथड है जो कि स्पेशल केसेस में काम आ जाता है, बट एक्चुअल तरीका एनालिसिस एनालिटिकली होगा। अभी हम डायरेक्ट मेथड एक बार देखते हैं, फिर एनालिटिकल देखेंगे। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आप क्या बोल सकते हो? रिजल्टेंट और डिफरेंस दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब आपके पैरेललोग्राम के बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। एक डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा डायगोनल डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों डायगोनल्स इक्वल होंगे, विच इंप्लाइज एक पैरेललोग्राम के अगर दोनों डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो पैरेललोग्राम क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, विच इंप्लाइज दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ये तो हो गया इसका एक सॉल्यूशन।
जिसको आप ओरली कर सकते हो। एक और एनालिटिकल सॉल्यूशन क्या होगा, हमें दोनों के रिजल्टेंट और डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इक्वल करना है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब कुछ मत करो, बस दोनों का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर रूट भी आएगा, बट मैंने इक्वेशन में दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है, तो इससे स्क्वायर रूट दोनों साइड से हट चुका है। अब अगर हम दोनों इक्वेशंस को देखें तो LHS का ए स्क्वायर और RHS का ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, LHS का बी स्क्वायर और RHS का बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, विच इम्प्लाइज अगर मैं 2AB cos थीटा को इधर ले आऊँ तो वी विल गेट 4AB cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज या तो A जीरो है और B जीरो है और cos थीटा जीरो है, क्योंकि इन तीन क्वांटिटीज का प्रोडक्ट जीरो है, A, B और cos थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, या तो A जीरो है या B जीरो है या फिर cos थीटा जीरो है। अगर हम अज्यूम करें कि हमारे दोनों वेक्टर्स A और B में से कोई भी नल वेक्टर नहीं है, तो ये दोनों केसेस हम रिजेक्ट कर सकते हैं। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया और हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, विच इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री नहीं होने के केस में भी देयर इज अ सॉल्यूशन कि ए और बी में से कोई एक वेक्टर जीरो हो जाए, नल वेक्टर हो जाए, बट वो केस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। और अगर वो केस कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो मैंने एक एग्जांपल और लिया है जिसमें मैंने कहा है दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके रिजल्टेंट को मैंने r वेक्टर कह दिया, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, सच दैट r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट है ये a वेक्टर के परपेंडिकुलर है, a और b का रिजल्टेंट a के परपेंडिकुलर है। और एक और बात क्या है कि r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, वो b वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा है। मतलब r वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और उसका मैग्नीट्यूड आधा है किसके, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का आधा मैग्नीट्यूड का वेक्टर बन रहा है और ए वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर ये आ रहा है। अब ऐसे में हमें पता लगाना है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, मेरे को एक आइडिया आ रहा है कि मैं डायग्राम बनाऊंगा। बिना डायग्राम बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। डायग्राम कैसे बनाऊंगा मैं, डायग्राम में मैं किस चीज़ की हेल्प ले सकता हूँ। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का हाफ है, इसका मैं कुछ खास डायग्राम में हेल्प ले नहीं सकता। पहला हेल्प मेरे को इससे मिलेगा, आर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, एंगल हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। तो अगर मेरा ए वेक्टर ऐसा है तो r वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा। r वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर का सम ये वाला वेक्टर है। मतलब हमें यहां से यहां पहुंचने के लिए पहले यहां से यहां चले गए, फिर b वेक्टर हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ जाएगा। तो हमारा b वेक्टर कैसा होगा, कुछ ऐसा, ये हमारा b वेक्टर है, ये r वेक्टर है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर एंड r वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू a वेक्टर। ये हमारे सम का डायग्राम बन गया, हमारी प्रॉब्लम का डायग्राम बन गया। अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर। उसके लिए हमारे पास एक डेटा और है कि r वेक्टर का मैग्नीट्यूड b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से आधा है, इसलिए
अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं, तो हमारा इस ट्रायंगल में साइन अल्फा कितना होगा? साइन अल्फा हो जाएगा अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, दैट इज आर बाय बी, और आर कितना है? बी बाय टू. सो दिस इज इक्वल टू बी बाय टू अपॉन बी, विच इज इक्वल टू वन बाय टू. साइन अल्फा अगर वन बाय टू है तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा कितना होगा? अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिग्री. तो ये एंगल अल्फा 30 डिग्री है. हमसे पूछा क्या गया है? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये डायग्राम बनाते ही नहीं है, सीधे इक्वेशन लिखना सॉल्व शुरू कर देते हैं और प्रॉब्लम में फंस जाते हैं. जो लोग डायग्राम बना भी लेते हैं वो अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री अपना आंसर रिपोर्ट कर देते हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि हमें चाहिए एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये यहां पर अगर आप ध्यान दो तो ए वेक्टर का हेड बी वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है. ऐसे में हम एंगल मेजर नहीं करते. एंगल मेजर करने के लिए हमें ए वेक्टर का टेल यहां लेके जाना पड़ेगा. तो ए वेक्टर का टेल अगर यहां लेके जाते तो ए वेक्टर कुछ ऐसा हो जाएगा, उधर बन जाएगा ए वेक्टर. और ये जो एंगल बना दोनों के टेल के बीच में, उसको हम कहेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो ये एंगल थीटा है. अब क्लियरली थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस अल्फा, विच इज इक्वल टू 150 डिग्री. तो आपका आंसर कितना है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है 150 डिग्री.